और जेलों के नए के रोगी की आंखों का इलाज कर दिया, जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आई एस लीग को हार मान चुके थे। ये तो विश्व की आंखों में अनेकों बीमारी है जिनका वैज्ञानिक आदिकाल से उपचार खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु आज तक उसका सही सटीक उपचार नहीं खोज पाए। इन्हीं रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है। इनमें से कुछ बीमारी है जैसे कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता, जिसमें व्यक्ति को दिखाई तो देता परंतु रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश जी कहाँ से आए? यूपी से। यूपी में कहाँ रहते हैं? बनारस। बनारस से आए हैं। क्या परेशानी हुई है आपको? कलर ब्लाइंडनेस। कैसे मालूम हुआ आपको कलर ब्लाइंडनेस है? अभी कोई भर्ती वगैरह में दिखा। क्या परेशानी हुई थी आपको? आपको कैसे मालूम पड़ा कलर ब्लाइंडनेस है आपको? लाइसेंस बनवाने गया था वहाँ। तो यूपी में लाइसेंस बनाने के लिए कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप होता है। बहुत बढ़िया बात है ये कि आपको जिंदगी की ये बीमारी मालूम पड़ी। कभी आपने सोचा था कि आपको रंग नहीं दिखते? नहीं, पहले बिल्कुल पता नहीं था। तो आपका लाइसेंस नहीं बनवाया उनने? और कोई परीक्षा वगैरह दी थी? और कोई परीक्षा वगैरह नहीं दी। नहीं दी थी। चलिए, तो बहुत अच्छा किया आपने कि आप शुरुआत में ही जैसे ही आपको बीमारी मालूम पड़ी और आप यहाँ इलाज कराने आ गए। कैसे मालूम पड़ा डॉक्टर ऋषभ जैन के बारे में? किसी रिश्तेदार ने, कोई लड़का। तो कोई रिश्तेदार ने आपको बताया कि कलर ब्लाइंडनेस का इलाज यहाँ पे हो रहा है ना? वो बच्चा ठीक हुआ था? हाँ, वो बच्चा ठीक हुआ था। चलिए, तो वो बच्चा ठीक हुआ इसलिए आप यहाँ आए हैं। और कहीं आपने वीडियो वगैरह देखे थे क्या? हाँ, यूट्यूब पे वीडियो ना। यूट्यूब पे वीडियो देखे थे इसलिए आप यहाँ आए हैं, ठीक। और उसका विश्वास मिला कि आपका कोई फ्रेंड ठीक हुआ है, है ना? देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। राकेश जी देखिए क्या दिख रहा है। बारह। फिर ये नहीं दिखाई दे रही। नहीं दे रहा। चेंज करो। ये 35 और 8। फिर ये 96। ये 26। ये नहीं दिखाई दे रही। राकेश जी आज आपकी स्थिति यह है कि आपको 13 प्लेटें दिख रही है ना? 13 प्लेट में से 4 धुंधली हैं, जिसको आपको अटक अटक के बता रहे हैं आप, और बाकी की दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इन 13 प्लेट्स के अलावा जो आपको अभी 13 प्लेट दिख रही है जिसमें से 4 धुंधली हैं अटक के बता रहे हैं आप, इससे ज़्यादा जो भी दिखेगा आप मानेंगे डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से दिखा है? बिल्कुल मानेंगे। बिल्कुल मानेंगे। ठीक, तो जिस तरह आपके भाई ने, आपको आपके कजिन ने आपको सहायता की, आपको सही मार्गदर्शन दिया, और देखते हैं उनका वो ठीक हुए उसके बाद आपको कितना फर्क पड़ता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। राकेश जी आज आपका पहला कोर्स खत्म हुआ है। हाँ। और देखिए आज आपको क्या फर्क पड़ा है। आपको क्या कलर ब्लाइंडनेस है ना? हाँ। ठीक, देखिए पढ़िए। 12। 6। वेरी गुड। 35। 8। वेरी गुड। 96। इस तरफ 96, उधर गया। उधर 2 के आगे वाला 26। 26। 97। 97। इधर अंदर वाला 5 है। 5। बड़े ये 57 है। हाँ। इधर 96। अरे 5। वेरी गुड। क्या हो गया? 15। 15। ये 8। 9। वेरी गुड। 9 तो है, इस पर चल सकते हैं ट्रैक। हाँ हाँ, तो एक हाथ में गिटार संभाल लो। राकेश जी बहुत सारी बधाई हो आपको। आप 13 प्लेट से 21 प्लेट पर पहुँच गए, मतलब कितना 8 प्लेटों का आपको फायदा हुआ है, ठीक। दुनिया में आपने पहले कभी सुना था कि कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो सकती है? आपने कई जगह ही दिखाया होगा। क्या कहा था डॉक्टर ने? ऐसे बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है और आप हताश होके बैठे हुए थे घर। इसी समय आपको किसने बताया कि यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का इलाज होता है? मैंने यूट्यूब पे भी देखा था। यूट्यूब पे आपने देखा, उस पर विश्वास किया, आप यहाँ आए
अब आप कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस 100% ठीक हो सकता है? हाँ, कलर ब्लाइंडनेस 100% ठीक हो सकता है। इसका इलाज खोज लिया गया, ठीक। तो बहुत सारी बधाई हो, जिस तरह आप इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यूट्यूब के बच्चों को इम्प्रूवमेंट हुआ, उसी तरह दुनिया का कोई भी व्यक्ति यहाँ आएगा उसको इम्प्रूवमेंट होगा, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी और वो अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त करने में आगे बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी बधाई हो आपको राकेश जी। अब इंतजार है आपके फाइनल वीडियो का, जब आप पूरी तरह 100% ठीक होके पूरी 36 प्लेट पड़ेंगे। ओके, देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है, जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय।